एनआईए ने सीबीआई और आईबी के सहयोग से 258 मोस्ट वांटेड लोगों की एक लिस्ट तैयार की है, जिसमें कश्मीर में सक्रिय आतंकियों के साथ साथ नक्सलियों को भी शामिल किया गया है। एनआईए द्वारा जारी इस लिस्ट में लश्कर ए तैयबा का प्रमुख हाफिज सईद, हिजबुल मुजाहिदीन का प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन, जाकिर नायक और 26/11 हमले का मास्टरमाइंड जाकिर उर रहमान लखवी जैसे कुछ हाई प्रोफाइल नाम है जो एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। इस लिस्ट में शामिल ज्यादातर आतंकी पाकिस्तान से है। खास बात यह है कि 258 मोस्ट वांटेड की लिस्ट में 15 महिलाओं के नाम शामिल है। इस सूची में कश्मीरी आतंकियों के साथ साथ नागा और नक्सल उग्रवादियों के नाम भी हैं। पहली सूची में वो लोग हैं जिनके खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया हुआ है, जबकि दूसरी लिस्ट में वो हैं जिन पर एनआईए ने इनाम रखा है। खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक प्रतिबंधित माओवादी समूह के शीर्ष नेताओं में गणपति पर 2017 में बिहार में संदेह किया था, लेकिन उनके स्थान का पता लगाया नहीं जा सका। उनका संभावित उत्तराधिकारी नम्बला केशव राव उर्फ बसवाराज भी इस सूची में शामिल है और उसके सिर पर 10 लाख रुपए का इनाम है। एनआईए ने लोगों से भी मदद मांगी है ताकि भगोड़ों और आतंकियों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। एनआईए ने ट्वीट कर लोगों से अपील की है कि इस लिस्ट में शामिल किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई भी जानकारी किसी को मिलती है तो एनआईए को सूचित करें और सूचित करने वाले व्यक्ति की पहचान को भी गुप्त रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई है तो आप सब्सक्राइब कीजिए भारत तक को, हमारे वीडियोज को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं